हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे कल के सेशन के लिए, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा एक्सपायरी डे का एनालिसिस वापस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये गैप रेजिस्टेंस है 15,280 के अराउंड। सो इसके ऊपर निफ्टी जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, और आप देखो निफ्टी ओपन ही उसी के आसपास हुआ था, गैप रेजिस्टेंस के आसपास 15,265 के आसपास कुछ हाई बनाया, और उसके बाद वो गैप रेजिस्टेंस का पहला टिक का जो कैंडल था उसी कैंडल में आपको फॉल देखने को मिला। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि 15,100-15,150 ये दो पुट आपको सेल करना चाहिए, ये दोनों पुट में आपको पैसा आ सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और 15,150 के आसपास ही क्लोजिंग हुआ था। मैंने आपको बताया भी था कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस ने एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है। सो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 15,140 के आसपास लो बनाया, उसके बाद वापस एक शार्प रिकवरिंग रैली हमें देखने को मिली। और आप देख सकते हो मैंने निफ्टी फ्यूचर बाय भी दिया था 15,160 के अराउंड, इसमें हम लोगों ने कुछ 40 पॉइंट कैप्चर किया है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना। स्टार्टिंग में मैंने एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ पुट सेल दिया था, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन फ्यूचर में हम लोगों ने 40 से 50 पॉइंट कैप्चर किया है प्रॉफिट। सो अब एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक अच्छा खासा स्विंग लो बना के नीचे से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर ये हाई क्रॉस करता है 15,318 के आसपास, अगर ये हाई क्रॉस कर देता है सो डेफिनेटली वापस ये लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है, और 15,700-15,800 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 15,300 बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा। 15 मिनट के चार्ट पे गैप रेजिस्टेंस भी उसी लेवल के आसपास है। सो 15,300 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 15,300 क्रॉस कर लेता है तो 15,700-15,800 तक के लेवल्स भी हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो 400-500 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है अगर 15,300 लेवल क्रॉस कर लेता है तो। पर अगर क्लोजिंग होता है तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, फिर 15,700-800 आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है, विद इन वन वीक के टाइम फ्रेम में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 15,300 क्रॉस कर लेता है तो 15,700-15,800 आपको विद इन वन वीक के टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल सकता है। सो काफ़ी इमीडिएट और फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है अगर 15,300 के ऊपर क्लोजिंग होता है या 15,300 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है तो 400-500 पॉइंट की रैली हमें इजीली देखने को मिल सकती है। सो आपका जो ध्यान है वो बुलिश की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, 15,300 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकता है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखो तो भी यहाँ पर देखो एक गैप रेजिस्टेंस है, ये गैप जैसे ही फिल करेगा, गैप के ऊपर जैसे ही जाना चालू होगा, फिर यहाँ से एक बड़ा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है, और 15,400-15,500 मुझे लगता है एक दो दिन में ही देखने को मिल जाएगा, और 15,700-15,800 आपको एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो आपका जो व्यू होना चाहिए वो बुलिश होना चाहिए, और बाइंग ट्रेड की तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना है निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर अगर आप देखो ये ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का लेवल आता है अराउंड 36,300-36,400। अगर ये लेवल क्रॉस कर लेता है तो 37,000-38,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। सो आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने तक का वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है क्योंकि 36,000 के ऊपर क्लोज हुआ है जो कि एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको थोड़ा देख कर ट्रेड करना पड़ेगा। 36,300 क्रॉस कर लेता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आपको इजीली 37,000-38,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों इंडेक्स में आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, और आपका जो ध्यान है वो बाइंग की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, तो निफ्टी में आप 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो, और बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो। 36,300 के ऊपर बाई करना है, और निफ्टी में 15,250-260 लेवल क्रॉस होता है तब आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखो तो 15 मिनट के चार्ट पे एक अपवर्ड चैनल में चल रहा है, उस चैनल का जो अपसाइड टारगेट आते हैं वो 36,300 के आसपास ही आता है। 36,300-400 एक बहुत क्रूशियल लेवल होगा बैंक निफ्टी में, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होता है 1,000-1,500 पॉइंट की रैली हमें इजीली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो 36,300-36,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको ध्यान देना है। कल के लिए आपको व्यू थोड़ा बुलिश ही रखना है, दोनों इंडेक्स ने क्लोजिंग काफी अच्छा दिया और एक्सपायरी भी काफी अच्छे लेवल पे हुई है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 36,000 के ऊपर हुआ है, और निफ्टी का एक्सपायरी 15,200 के ऊपर हुआ है, तो दोनों का एक्सपायरी जो है वो पॉजिटिव नोट पे ही हुई है और काफी अच्छे लेवल पे हुई है। तो मुझे लगता है आने वाले वीक में आपको बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। सो आपका फोकस बाइंग की तरफ ज्यादा होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।